मुझे इंग्लिश सीखने का मन नहीं है, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है, मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है, मुझे यह काम करने का दिल नहीं है, मुझे खाना खाने का दिल नहीं है, मुझे चाय पीने का दिल नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम कहते हैं मुझे किसी काम का दिल नहीं है यानी मन नहीं है, या मुझे कोई काम करने की ख्वाहिश नहीं है, मन नहीं है, चाहत नहीं है। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इन नो मूड टू, या नॉट विलिंग टू, या अनविलिंग टू। कैसे? आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि मुझे चाय पीने का मन नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड टू टेक टी। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को विल से भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम नॉट विलिंग टू टेक टी। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनविलिंग टू टेक टी, यानी मुझे चाय पीने का मन नहीं है। इनमें से जो टॉपिक आपको आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो इन नो मूड टू, या नॉट विलिंग टू, या अनविलिंग टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आपको यह बात शानदार तरीके से मालूम चल सके। मुझे खेलने का मन नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड टू प्ले। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट विलिंग टू प्ले। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनविलिंग टू प्ले, यानी मुझे खेलने का दिल नहीं है या मूड नहीं है, मुझे आज काम करने का मन नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड टू वर्क टूडे। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट विलिंग टू वर्क टूडे। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनविलिंग टू वर्क टूडे, यानी आज मुझे काम करने का मन नहीं है, मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू टॉक टू यू। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनविलिंग टू टॉक टू यू, यानी मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है या दिल नहीं है, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड टू गो देयर। आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम अनविलिंग टू गो देयर, यानी मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है, दिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा कि जब आपको कहना हो कि आपको किसी काम को करने का मन नहीं है, दिल नहीं है, आरजू नहीं है, चाहत नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इनमें से किसी टॉपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि आप टू के जगह पर फा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फा के बाद आपको कोई नाउन बोलना हो तो। यानी अगर आप कहना चाहें मुझे चाय का मन नहीं है, तो यहाँ पर आप टू के जगह पर फा बोलेंगे। कैसे? आइए एग्जांपल्स में इस बात को समझें। मुझे चाय का मन नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड फॉर टी। अगर आपको कहना हो कि मुझे नाश्ते का मन नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन नो मूड फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मुझे नाश्ते का मन नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने फा के बाद बोला एक नाउन, तो जब आपको नाउन बोलना हो तो आप फा के साथ बोलेंगे, और अगर आपको वर्ब बोलना हो तो आप टू के साथ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।